नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार बेंगलुरु में घर बनाने वालों के लाइसेंस केस करेगी कब? उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह बात कही। अगर सरकार कृषि ऋण माफ करने में विफल रहती है तो किया जाएगा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, येडियुरप्पा ने दी चेतावनी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के पुराने शहर से शमशाबाद हवाई अड्डे तक मेट्रो रेल परियोजना विकसित करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। मेरी हत्या हो सकती है, महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के दावे पर कांग्रेस का आरोप, यह ओबीसी मराठाओं को लड़ाना चाहते हैं। सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में विपक्ष का जमकर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। सांसद की सुरक्षा में चूक का मामला, लोकसभा सचिवालय के सात कर्मचारियों को कर दिया गया सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को विधानसभा को आश्वासन दिया कि भाजपा विधायकों द्वारा एक नए विधेयक पर चिंता व्यक्त करने के बाद सरकार बेंगलुरु में घर बनाने वालों पर लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों को कम कर देगी, जिसमें इस तरह के लिए ऊपरी सीमाएं तय की गई है। बृहत बेंगलुरु महानगरपालिका और कुछ अन्य कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया, लेकिन इससे पहले शहर के भाजपा सांसदों ने सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों को चिन्हित किया जो नागरिकों पर बोझ डाल सकते हैं। यह विधेयक मुख्य रूप से बीबीएमपी को बिल्डरों से प्रारंभ और पूर्णता प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शुल्कों के लिए एकत्र किए गए 1712 करोड़ रुपए चुकाने से रोकने के लिए तैयार किया गया है, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र को रद्द कर दिया था। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येडियुरप्पा ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सरकार ने 15 से 20 दिनों में कृषि ऋण माफी की घोषणा नहीं की तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। येडियुरप्पा ने बेलगावी में भाजपा के एक विशाल विरोध रैली को संबोधित करते हुए कहा, राज्य गंभीर सूखे से जूझ रहा है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और वे कर्ज में डूब गए हैं। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप कर दुख कम करना चाहिए। येडियुरप्पा ने कहा कि सीएम के रूप में मैंने किसानों को बिना किसी शर्त के बिजली आपूर्ति प्रदान की थी। अब सिद्धरामैया ने नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार शर्तों पर थोप कर किसानों के जीवन के साथ खेल रही है। यदि आप किसानों के बचाव में आने में विफल रहते हैं तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को हैदराबाद के पुराने शहर से शमशाबाद हवाई अड्डे तक मेट्रो रेल के निर्माण के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसी तरह मुख्यमंत्री ने रायदुर्गम को एयरपोर्ट मेट्रो रेल से आउटर रिंग रोड से जोड़ने वाली परियोजना के टेंडर को लंबित रखने की भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रायदुर्गम से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के बजाय पुराने शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो के निर्माण से काफी लोगों को फायदा होगा। महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा और फलकनुमा से हाईवे अड्डे तक मेट्रो रेल योजना तैयार करें। इसी प्रकार एलबी नगर को चंद्रयान गुट्टा से एयरपोर्ट मेट्रो रेल से जोड़ने की परियोजना विकसित की जानी चाहिए। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रम मार्क मल्लू आज कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए राज्य सचिवालय पहुंचे। पुजारी भी उनके साथ मंत्रोच्चारण करते हुए सचिवालय पहुंचे। कार्यालय में प्रवेश के दौरान उनके लिए ढोल और बाजे भी बजाए गए। राज्य सचिवालय पहुंचने के बाद गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम होने के साथ भट्टी विक्रमार्क मल्लू को वित्त और योजना ऊर्जा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम के अलावा तेलंगाना के उद्योग और आईटी मंत्री दुडिल्ला श्रीधर बाबू ने भी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। श्रीधर बाबू भी पंडित के साथ सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में पूजा भी करवाया और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यालय में पौधा देकर श्रीधर बाबू का स्वागत किया गया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तारक राम राव केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी देकर लोगों को धोखा दिया है। कांग्रेस शासकों का असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस ने वादों से पहले प्रदेश की आय का अनुमान नहीं लगाया था, अब आय का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्व मंत्री केटीआर ने अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रसाद कुमार का समर्थन करते हुए नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। बाद में उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत की। राहुल गांधी ने कर्ज माफी का वादा किया था, सत्ता में आने के 2 दिन के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि पहली कैबिनेट में ही 6 गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई और कर्ज माफ का क्या हुआ।
उन्होंने कहा कि बीआरएस पर राज्य में कर्ज का अंबार लगाने का आरोप लगेगा। यही बात कल राज्यपाल के भाषण में भी कही जाएगी। उन्होंने कहा कि एक विधायक ने अपने क्षेत्र में 45,000 नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वह यह कैसे करेंगे तो वह जवाब नहीं देंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सिंह ने दावा किया है कि उनकी हत्या की जा सकती है। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए छगन भुजबल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में दावा किया कि उन्हें गोली मारी जा सकती है और पिछले 2 महीने से उन्हें धमकियां मिल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अपने संबोधन में छगन भुजबल ने कहा कि उनकी छवि मराठा आरक्षण विरोधी की बनाई जा रही है, जबकि वह मराठा आरक्षण के विरोधी नहीं है। बता दें कि छगन भुजबल मराठा आरक्षण को ओबीसी कोटे में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। भुजबल ने कहा कि सभी पार्टियों की तरह वह भी यही रुख अपना रहे हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें रोजाना फोन पर गालियां और धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज रांगे ने भुजबल पर मराठों और ओबीसी वर्ग के बीच तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। जरांगे ने कहा था कि भुजबल राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। छगन भुजबल के विधानसभा में किए गए दावे पर राजनीति गरमा गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया कि सरकार में कोई समन्वय नहीं है, ये ओबीसी के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और सिर्फ उनका शोषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार आरक्षण से छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए यह ओबीसी और मराठाओं के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस लड़ाई में वो आरक्षण को भूल जाए। आरक्षण से बचने के लिए भाजपा ने यह योजना बनाई है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। आज भी जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर सिक्योरिटी का काम देख रही टीम पर गाज गिरी है। इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। सांसदों की एंट्री को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। पीएम ने आज अपने चेंबर में एक अहम बैठक भी की है। मामले की जांच के लिए भारी भरकम टीम बनाई गई है जो जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य की महिलाओं के बीच काफी प्रचलित है। लाडली बहना जैसी महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कारण शिवराज को प्रदेश की बहनों और बेटियों से खूब प्यार मिल रहा है। राज्य की जनता उन्हें मामा कहकर बुलाती है। शिवराज की इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। एमपी के मामा की तरह मोहन यादव भी बहनों के लाडले हैं। 10 सालों से वह अपने विधानसभा क्षेत्र की 20,000 बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। मोहन यादव ने बुधवार 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब शिवराज की जगह मोहन यादव के नाम का सीएम पद के लिए ऐलान हुआ तो इसके पीछे की वजह पर चर्चा होने लगी। पार्टी में लंबे समय से है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऊंचा कद है, ओबीसी चेहरा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिश्ता होने के अलावा महिला वोटर्स के बीच लोकप्रियता भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का एक कारण हो सकती है। शिवराज और मोहन यादव के बीच 2 बातें कॉमन है कि दोनों ही ओबीसी चेहरा है और महिलाओं के बीच काफी फेमस है। सांसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा सचिवालय के 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इन सभी कर्मचारियों को लोकसभा की सुरक्षा में चूक में लिए दोषी पाया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।
पुलिस इन सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का मकसद विभिन्न मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का था। सूत्रों ने बताया कि पांचों आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वे बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों से परेशान थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी के सांसद गुरजीत सिंह औजला की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से औजला ने संसद के अंदर घुसे आरोपी को पकड़ा वह बताता है कि सिंह इज किंग है। बता दें कि कांग्रेस सांसद औजला ने लोकसभा में घुसे आरोपी को सबसे पहले पकड़ा था। शशि थरूर ने औजला की तारीफ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सदन में घुसे आरोपी का सामना करने के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। सिंह इज किंग, आप शानदार हैं। औजला, आप बहुत बहादुर भी हैं। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बम फटने की वजह एक छात्र के घायल गंभीर रूप से घायल हो गया। मिल रही जानकारी के अनुसार ये धमाका उस वक्त हुआ जब छात्र हॉस्टल में बम बना रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच में अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि आखिर वह छात्र बम क्यों बना रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। भारतीय सेना के जवानों ने बुधवार को पूर्वी सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे हुए 800 से अधिक पर्यटकों को बचा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ये पर्यटक पूर्वी सिक्किम के विभिन्न इलाकों में फंस गए थे, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा चलाया गया बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा और फंसे हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सभी पर्यटकों को आश्रय, गर्म कपड़े, चिकित्सा सहायता और गर्म भोजन प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि फंसे हुए पर्यटकों को ठहराने के लिए सैनिकों ने अपनी बैरक खाली कर दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सरकार बेंगलुरु में घर बनाने वालों की लाइसेंस केस करेगी कब? उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने यह बात कही। अगर सरकार कृषि ऋण माफ करने में विफल रहती है तो किया जाएगा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, येडियुरप्पा ने दी चेतावनी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के पुराने शहर से शमशाबाद हवाई अड्डे तक मेट्रो रेल परियोजना विकसित करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। मेरी हत्या हो सकती है, महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के दावे पर कांग्रेस का आरोप, यह ओबीसी मराठाओं को लड़ाना चाहते हैं। सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में विपक्ष का जमकर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। सांसद की सुरक्षा में चूक का मामला, लोकसभा सचिवालय के साथ कर्मचारियों को कर दिया गया सस्पेंड। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।